मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव कोरोना लॉकडाउन के चलते स्थगित कर दिए गए हैं। आगामी समय में कोरोना लॉकडाउन खुलने के बाद निर्णय लिया जाएगा। 15 अप्रैल को होने वाले मंडल अभिभाषक संघ उज्जैन के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। बढ़ते कोरोना और लॉकडाउन के चलते उक्त चुनाव स्थगित करने की पुष्टि मुख्य निर्वाचन अधिकारी नीलेश योगी और उप निर्वाचन अधिकारी विकास कपूर ने की है। योगी ने बताया कि निर्वाचन के लिए नामांकन दाखिल होने सहित तमाम प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। उम्मीदवार चुनाव प्रचार में व्यस्त हो गए थे, केवल मतदान होना था। अब चुनाव आगामी आदेश तक स्थगित कर दिए गए हैं, इससे चुनाव प्रचार थम गया है। इस चुनाव में अध्यक्ष पद के 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। वर्तमान अध्यक्ष अशोक यादव, सीनियर वकील रविंद्र त्रिवेदी और अनिल माथुर किला लड़ा रहे हैं। रविंद्र त्रिवेदी के अनुसार वे बार की गरिमा को पुनर्स्थापना के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और उनको सीनियर और जूनियर वकीलों का अच्छा सहयोग व समर्थन मिल रहा है। देखिए, चुनाव में लड़ रहा हूँ तो मेरे को इतना समर्थन मिला, दे रहे हैं सब लोग, कि व्यवस्थाओं में सुधार करना, जूनियर्स की जो समस्याएं हैं उन लोगों की विशेष रूप से ध्यान रख कर के, कि जो आए दिन उनकी परेशानियां होती हैं कानूनी जानकारी के संबंध में, उनको गाइडेंस प्रॉपर तरीके से मिल सके, आगे एग्ज़ाम्स वगैरह में बैठ सकें, उसकी तैयारियां करवानी, और बार की जो गरिमा है, वकीलों का एक अपना अलग ही वो महत्व है, उस महत्व को फिर से कायम करवाना और सभी लोगों को साथ लेकर के चलना कि बार क्या है, एक अस्तित्व तो उसका मालूम पड़े कि उज्जैन बार एसोसिएशन की बहुत बड़ी बड़ी परंपराएं रही हैं। राजनीतिक, सामाजिक और न्याय जगत में भी उज्जैन बार का बहुत ही महत्व रहा है।